आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NVS बोला जाता है। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के सिलेबस के बारे में, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम फरवरी में होने वाला है उसके सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, आप अगर तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात आती है कि उस एंट्रेंस एग्जाम को कैसे पास किया जाए, या उसको कैसे क्रैक किया जाए, या उसको कैसे क्वालिफाई किया जाती है। सबसे आपकी पहला क्वेश्चन ये रहता है, देन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि आपको पढ़ना क्या है और कहां से पढ़ना है और किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन आपका यही रहता है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि किसी भी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, देन आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th के सिलेबस के बारे में, जो एंट्रेंस एग्जाम आपका फरवरी 2020 में होने वाला है उसकी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो आइए जान लेते कि किसी किस सब्जेक्ट से आपका टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो पहले नंबर पे आता है कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट। कंपोजिशन मतलब किस किस चीजों से आपके किस किस सब्जेक्ट से आपके मिलके टेस्ट बना रहता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो सब्जेक्ट होता है आपका मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इंग्लिश और हिंदी आपके पूछे जाएंगे। बेसिकली आपके चार सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। पर के अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो आपकी क्लास 8 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपके उसमें दिख जाएंगे, मतलब बेसिकली क्लास 8 स्टैंडर्ड के आपके क्वेश्चन उसमें रहेंगे, जो आपके कंपोजिशन रहेंगे मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी का। तो बात करें कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो नेचर ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट की बात करें तो इंग्लिश से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन, हिंदी से आपका भी 15 मार्क्स क्वेश्चन, टोटल आपके 30 मार्क्स हुए हिंदी और इंग्लिश को मिला के। देन उसके बाद आते हैं 70 मार्क्स में आपका मैथमेटिक्स और साइंस में 35 और 35 मार्क्स होते हैं। टोटल आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो टाइमिंग रहेगी आपकी 2.5 आवर की रहेगी, मतलब 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। और साथ ही साथ कोई भी आपको ब्रेक नहीं दिया जाएगा, मतलब पेपर में आपको कोई भी छुट्टी या टाइमिंग नहीं दी जाएगी किसी भी काम को करने के लिए, तो यह ध्यान रखिएगा। और पेपर का जो आपका पैटर्न होने वाला है या कह सकते हैं नेचर होने वाला है, MCQ है कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले, एक क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसके चार ऑप्शन रहेंगे, जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा एक OMR सीट दी जाएगी, उसमें बबल्स को आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से आपको फिलअप करने रहेंगे। तो कह सकते हैं कि आपको टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे, और साथ ही साथ जो टाइमिंग आपकी 150 मिनट की दी गई है एक क्वेश्चन के लिए, बेसिकली आपका कह सकते हैं कि 1.5 मिनट्स का आपका एक क्वेश्चन करने में समय लगेगा। और हम बात करें कि इसमें बोला जा रहा है कि जो मेरिट लिस्ट होगी वो अनाउंस किया जाएगा आपका NVS सिलेक्शन क्राइटेरिया के रिगार्डिंग, आपका वो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी आफ्टर एग्जामिनेशन। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। जो ये सिलेबस बता रहा हूँ आपका ऑफिशियल सिलेबस है नवोदय विद्यालय समिति लेटरल एंट्री क्लास 9th 2020 आपका सिलेबस फॉर द टेस्ट पेपर बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ क्लास 8। आपकी जो सिलेबस है वह पेपर का पैटर्न जो है आपका क्लास 8 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 15 है और सब्जेक्ट जो है आपके इंग्लिश, इंग्लिश से किस किस आपके टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कह सकते हैं किस यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिकली इसमें आपके 10 टॉपिक दिए गए हैं इंग्लिश से, जिसमें आपके ग्रामर बेसिकली दिख रहे हैं। तो इसमें आपके पहले नंबर पे आता है कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें आपके अनसीन पैसे दिए जाएंगे, एक पैसे दी जाएगी, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस पैसेज को आपको पढ़ के उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना रहेगा, जो बहुत ही सिंपल होता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका स्कूल लेवल पे क्लास 8 स्टैंडर्ड में पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है वर्ड एंड सेंटेंस, कुछ सेंटेंस और वर्ड दिए जाएंगे जिसमें आपके एरर रहेंगे, उसको फाइंड करके ढूंढना रहेगा, उसको सही करना रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है स्ट्रक्चर स्पेलिंग, स्ट्रक्चर स्पेलिंग में जैसे एक स्पेलिंग दी जाएगी, उसमें आपके ब्लैंक दे दी जाएगी, फील इन द ब्लैंक्स टाइप्स का रहता है, तो उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है रीअरेंजिंग जंबल्ड वर्ड, कुछ आपके रीअरेंज वर्ड रहेंगे, मतलब इधर उधर आपके इंग्लिश के अल्फाबेट रहेंगे, उसको आपको रीअरेंज करके एक मीनिंग आपको बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका पैसिव वॉइस दिया गया, बेसिकली आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट नंबर पे आता है 6वें नंबर पे यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, डिग्री ऑफ कंपेरिजन पूछे जाते हैं। बेसिकली आपके 3 टाइप्स के डिग्री होते हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव।
तो आपके डिग्री पूछे जाएंगे, इसमें आपको चेंज करना भी हो सकता है मे बी, या तो नॉर्मल पूछा जाएगा जैसे आपका होता है गुड, बेटर और बेस्ट होता है। तो आपका पॉजिटिव में आपका आ गया गुड, और आपका कंपरेटिव में आ गया बेटर, और आपका बेस्ट मतलब सबसे अच्छा सुपरलेटिव। तो ऐसे टाइप के डिग्री आएंगे, इसमें बेसिक क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ही सिंपल तरीके के रहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आ गए आपके मोडल ऑक्जिलरीज रहेंगे, मोडल वर्ब्स बोल सकते हैं इसको बेसिकली, आपका जो रहता है कैन, कुड, मे, माइट, इस टाइप्स के जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब रहेंगे उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ना है आपको, जिसमें आपके प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें तो टू, ऑफ, फ्रॉम, इन, एट, कहाँ पे क्या चीज़ें यूज होती हैं ये आपके पूछे जाएंगे। और नाइन नंबर पे आता है आपका टेंस फॉर्म, टेंस आपके बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, जिसके आपके टोटल आपके जो टेंस बनते हैं 12 फॉर्म बनते हैं, तो उस फॉर्म में क्या हेल्पिंग वर्ब, कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज हो रहा है, साथ में आपका किसके साथ क्या रोल है, इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पर आता है और लास्ट है आपका रिपोर्टेड स्पीच, तो आपका जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं, दो टाइप के स्पीच होते हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही सिंपल तरीके के आते हैं। अगर आप अच्छे से इसको कवर करते हैं तो आप 15 आउट ऑफ 13-14 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसके रिगार्डिंग भी बता दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इंग्लिश से, तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट नंबर पे आता है हिंदी पाठ्यक्रम, आपके अंक जो रहेंगे मतलब नंबर जो रहेंगे आपके 15 नंबर के रहेंगे, जो क्वेश्चन का टाइप रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, कह सकते हैं बहुविकल्पिक प्रश्न रहेगा। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, बिहार बोर्ड, आप यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये मैटर नहीं करता, आप एटलीस्ट अगर एलिजिबल हैं देन आपको फॉर्म भरना चाहिए। इधर आपका क्रम दिया गया है, इधर आपका विषय दिया गया है, कोर्स कि सबके विषय से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका प्रिंट जो है थोड़ा सा ब्लर टाइप का प्रिंट हुआ है। भाषिक अनुप्रयोग और व्याकरणी कुशलताएं में आपका पहला आता है वर्ण विचार और वर्तनी विवेक आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है शब्द भेद, स्रोत और उसकी उत्पत्ति पढ़नी पड़ेगी। और तीसरे नंबर पे आता है पर्यायवाची और विलोम, बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर पर्यायवाची कहाँ का पढ़ें, तो आपको क्लास 8 स्टैंडर्ड का जो भी विलोम और पर्यायवाची है उसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट नंबर पे आता है चौथे नंबर पे शब्द विवेक पढ़ना है, शब्द प्रयोग में सूक्ष्म अंतर, आपके एक वर्ड जो होते हैं एक तरीके के दिखते हैं तो उस टाइप के आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है पांचवें नंबर पे पद भेद पढ़ना है, व्याकरणिक कोटि की पहचान करना जिसमें पढ़ना आपको है। छठवें नंबर पे आता है पद परिचय पढ़ना है, और सातवें नंबर पे आता है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है, जैसे आपके गलत सेंटेंस रहेंगे या वाक्य गलत दिए रहेंगे उसको आपको करेक्ट करना रहेगा। और आठवें नंबर पे आता है वाक्य रचनांतरण, सरल, सूक्ष्म और मिश्र, तीन प्रकार के आपके सेंटेंस होते हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपके नवें नंबर पे आता है आपका मुहावरा, और उसके बाद आता है दसवें नंबर पे लोकीतियाँ। लोकीतियाँ और मुहावरे बहुत ही सिंपल होता है, इसका आपको अर्थ बताना रहेगा बेसिकली। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका ख में अपठित बोधात्मक प्रश्न, बोधात्मक मतलब जैसे अनसीन पैसेज दिया रहेगा, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें से आपके कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे जो बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर कोई भी बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन करता है हिंदी की तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से 12-15 मार्क्स पा सकता है। नेक्स्ट नंबर में इसमें आता है आपका सब्जेक्ट में जनरल साइंस है, बेसिकली साइंस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 35 मार्क्स का होने वाला है, जो बहुत ही अच्छा आपका स्कोरिंग कराने में मदद करेगा इस एंट्रेंस एग्जाम में। अगर हम टॉपिक या सब टॉपिक की बात करें तो पहला आपका 8th का चैप्टर ही है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और दूसरा आपका चैप्टर ही है फूड प्रिजर्वेशन और आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें आपको बायोलॉजी में दिया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लास 8 स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हैं तो सीबीएसई बोर्ड की बुक आप रेफर कर सकते हैं, इसमें सारा चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपका पहला है फूड से मैंने बता दिया, दूसरे नंबर पे आता है आपका मटेरियल, मटेरियल में आपको पढ़ना है सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लीजिएगा, कौन से मेटल और कौन से नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, कुछ इसमें एक्सेप्शंस है उसको भी पढ़ लीजिएगा। जैसे आपका एक्सेप्शंस की बात करें तो आपके कौन से ऐसे मेटल हैं जो आपके रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। और साथ ही साथ कौन से ऐसे नॉन मेटल है जो आपके रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा मेटल है और नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है इसका। नेक्स्ट नंबर पे आता है तीसरे नंबर पे, अगर आपको आंसर नहीं बता पाते हैं तो मैं कमेंट करके बता दूंगा। तीसरे नंबर पे आता है मटेरियल, आपको सेकेंड में कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ना है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम
फॉसिल्स फ्यूल्स कंब्यूसेंस एंड फ्लेम पढ़ना है, जो बहुत ही सिंपल है, केमिस्ट्री का भाग है। और आपके चौथे नंबर पे आता है लिविंग एंड नॉन लिविंग में आपको सेल स्ट्रक्चर और उसके आपके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, टूरिस्ट एंड नेशनल पार्क। नेक्स्ट नंबर पे आता है पाँचवें नंबर पे आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जो आपका बहुत ही अच्छा चैप्टर है। छठवें नंबर पे आता है आपको फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड थ्रस्ट और प्रेशर में क्या अंतर है, जो आपका पी बराबर एफ बाई ए होता है उसका क्या यूनिट होता है, ये सब आपको पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन आपके कहीं से भी किए जा सकते हैं, जो बहुत ही आपको डीपली पढ़ना है कह सकते हैं। सातवें नंबर पे आता है लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मल्टी रिफ्लेक्शन क्या होता है, ह्यूमन आइज क्या होती है, केयर ऑफ द आइज, साउंड और आपका ह्यूमन ईयर पढ़ना है, लाउडनेस एंड पीच क्या होता है, ऑडिबल एंड इन ऑडिबल, ऑडिबल जिसको हम लोग सुन सकते हैं और इन ऑडिबल जिसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, जिसकी आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है या तो लेस देन होगी 20 हर्ट्ज या अपर होगी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होगी, उसको इनऑडिबल साउंड बोलते हैं। और पीच और लाउडनेस में क्या अंतर है, श्रेलनेस होता है, आपकी बहुत चीज़ें होती हैं, तो इसमें पढ़ना पड़ेगा कि किसकी आपकी लाउडनेस ज़्यादा होती है मेल फीमेल में, जो बहुत ही मैंने अच्छे से पढ़ाया है अपने ऑफलाइन क्लासेस में। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अगर आप वाराणसी से बिलोंग करते हैं तो। नेक्स्ट नंबर पे आता है आठवें नंबर पे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स, इलेक्ट्रो प्लेटिंग पढ़ना है, जैसे आपको एक दूसरे पे परत पर जमाए जाते, जैसे आप देखे होंगे कि किसी आपका जो भी मटेरियल होगा कह सकते हैं आपके घर में बेसिकली आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, उस पर आपकी इलेक्ट्रो प्लेटिंग की जाती है, सिल्वर या गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग करना। नौवें नंबर पे आता है नेचुरल फेनोमेनन, लाइटनिंग, अर्थक्विक और पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, इसमें दो दो चैप्टर को कंबाइन कर। नंबर पे आता है सोलर सिस्टम में आपको स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशंस पढ़ना है, जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आपको 35 में से बेसिकली आई थिंक अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें आप फुल मार्क्स भी ला सकते हैं, अगर आपका नॉलेज बेसिक अच्छा है, अगर आप डीपली रिफ़र करते हैं बुक को देन आप अच्छा परफॉर्म कर। नेक्स्ट नंबर पे आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग भी होता है, बहुत ही अच्छा लगता है मैथमेटिक्स सॉल्व करने में बच्चों को, जिसका आपका मैक्सिमम मार्क्स 35 है, जिसमें आपको प्रायोरिटी होती है, कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है 35 में से 35 गेन करने की, जो बहुत ही इजीली से आपका डिकोड हो जाता है। बट बहुत बच्चों को यह आपका बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है कि मैथमेटिक्स बहुत ही दिक्कत करता है, तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट से अगर पढ़ते हैं तो आपको मैथमेटिक्स में तो एटलीस्ट से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले नंबर पर इसमें आता है आपका रेशनल नंबर, नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और थर्ड वन आता है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो कह सकते हैं पूरा आपका एनसीईआरटी का सिलेबस उठा के इसमें लिख दिया गया है, तो दिक्कत वाली बात नहीं, आपने पढ़ा भी होगा और स्कूल में भी पढ़ाई गया होगा आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और क्यूब एंड क्यूब रूट में आपको दिक्कत हो रही है तो मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है एक्सपोनेंट एंड पावर, और पाँचवें नंबर पे आता है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, और छठवें नंबर पे आता है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसमें आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और साथ ही साथ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना पड़ेगा, जो बच्चे हिंदी मीडियम में उसको आप प्रतिशत, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि कह सकते हैं, लाभ और हानि कह सकते हैं, आपका डिस्काउंट और इसमें आपका छूट होता है जो हिंदी में बोलते हैं, और ये आपका साधारण ब्याज और इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं आपके हिंदी में। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन में जो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। एट नंबर पे आता है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और नवे नंबर पे आता है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड काइट्स, ये पढ़ना आपको 5-6 टॉपिक इसी के अंडर में है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और दसवें नंबर पे आता है मेंसुरेशन, जो बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है, ये स्कोरिंग भी होता है, बहुत सारे बच्चे अच्छा इसमें परफॉर्म करते हैं। इसमें ए की बात करें तो एरिया ऑफ प्लेन फिगर है, और बी की बात करें तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर है।
तो इसको आपको पढ़ना है। और लास्ट वन आता है आपका डेटा हैंडलिंग, जिसमें आपको बार ग्राफ, पाई चार्ट और आपका ऑर्गेनाइजिंग डेटा, या कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक है, तो आप अगर अच्छे से मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करते हैं तो देन आप परफॉर्म कर सकते हैं बहुत ही अच्छा। नवोदय विद्यालय समिति का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका फेबरी में होने वाला है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। अभी आपका नवंबर स्टार्ट होने वाला है कह सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही आपको टाइमिंग काफ़ी अच्छा है, 3 मंथ का टाइमिंग है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको दिक्कत कोई हो रहा है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप बिलोंग करते हैं वाराणसी से तो देन आप ऑफलाइन बैचेज भी ज्वाइन कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। अगर आप बिलोंग करते हैं वाराणसी से तो देन आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी कोचिंग वाराणसी में चलती है। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आपको पूरा जानकारी दी जाएगी नवोदय विद्यालय के बारे में कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, और साथ ही साथ प्रॉपर गाइडेंस भी यहाँ पर की जाती है। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी आपके सर्कल में है उसको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।